is a startup company called Neutrino Tech System in Pune, which is mainly based on Texas, US. Okay. So in the NTS, I started the journey as an associate software engineer. Okay. So कोई भी इंजीनियर हो, ठीक है, उसकी सबसे पहली जॉब होती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, आप जब कंप्लीट करके जाते हो ऐसी इंजीनियरिंग, तो आपका सबसे पहला जो आपका डेजिग्नेशन होता है वो है कंप्यूटर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ एसोसिएट मींस एज अ फ्रेशर. सो दैट इज कॉल्ड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. हेलो, आफ्टर दैट I involved in various clients and technologies, which is includes AI, ML, machine learning, data science, and multiple tools and technologies along with Python. मेरा जो selection हुआ था, मैं एक Python developer हुआ था. मुझे सबसे पहले आपको बताइए कि यहाँ पर सब first year के हैं और इसमें से कोई mechanical के हैं, mechanical, CS, या फिर सब CS के हैं. So that सब mix है first year. तो इनका भी पूरा की पूरा एक ही जैसा हमारा टाइम था फर्स्ट ईयर में. सारे सब्जेक्ट सेम, मैकेनिकल, सीएस, एमपी भी है, मैथ है आपको, बायोलॉजी भी है? नहीं नहीं. ओके, सो आई कंप्लीटेड माय 2 इयर्स इन न्यूट्रिनो टेक सिस्टम आफ्टर परमिशन ऑफ माय इंजीनियरिंग, एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ साल पहले मैं वहीं पर बैठा करता था पीछे, ठीक है, अगर कोई भी आया तो बहुत अच्छे से पता है मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड आ जाए यहाँ पर आई हुई है. मैं कभी सामने नहीं बैठता था, हमेशा पीछे जाके बैठता था जैसे वो लोग बैठे. ओके, तो मैं आप लोगों में से एक, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी ऐसे आपको कुछ भी पूछना है कि भाई कैसे होता है, और बेसिकली मैं फोकस करूंगा, मैं उसी में फोकस करूंगा. आप मुझे बताइए आपके क्या कंसर्न्स है, आपको क्या क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन रहे, राइट? मैं नहीं चाहता कि रैपर है, बोलते जाओ और आप सुनते जाए और बाहर जाके बोल जाए, है ना? मैं ऐसा नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन हो, कोई भी पूछ सकता है, राइट? व्हाट इज इट? जावा जावा हाँ हाँ आप कह रहे हो कि जावास्क्रिप्ट आपने की है, राइट? और उसके फ्रेमवर्क्स पे आपको आते हैं, इज दैट योर सेइंग? और इसके ऊपर प्लेसमेंट होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है. तो देखो, आई टोटली एग्री विद द टेक्नोलॉजी जावा. जावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमेशा रहने वाली है, चाहे कोई भी उसके आगे टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि जावा इज मेनली फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना. बट मुझे जावा पसंद नहीं, सीरियसली मैंने इसलिए पाइथन लिया. मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिनको जावास्क्रिप्ट आती है और जावा आता है, क्योंकि मुझे नहीं आता भाई, वो लोग बियॉन्ड है मेरे लिए. सीरियसली पाइथन इज वेरी इजी. नहीं देखो, ऐसा है कि जितना उनको मेहनत करनी पड़ती है जावा में, जावास्क्रिप्ट में, उतना आपको नहीं करना पड़ता पाइथन में. नहीं, किसमें करना पड़ता है, जिसमें हम मतलब कि मॉडल ट्रेन करने, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस, उसमें बात अलग है. लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे पाइथन तो वो इजी है एज कम्पेयर टू जावा. और जावा जो है वो मोस्टली क्लाइंट्स बहुत प्रेफर करते हैं. आई टेल यू वन इंसिडेंट, व्हेन आई जॉइन एनटीएस, इनिशियली आई जॉइन एज अ पाइथन डेवलपर. सो माय मैनेजर वाज लाइक कि देखो तनाव फेज 1 खत्म हो चुका है और मैंने तुमको एज अ पाइथन डेवलपर ज्वाइन हायर किया है ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम जावा सीखो. मैं बोला क्यों सर, मैं तो पाइथन के लिए हायर हूँ, मैं जावा क्यों सीखूं? द क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. बोले वो चाहता है कि उसके एप्लीकेशन में सिक्योरिटी ज्यादा हो, जैसे पाइथन में सिक्योरिटी नहीं है. तो वो चाहते हैं कि जावा, अभी जो हमने काम पाइथन में किया है वो अब जावा में करें. तो आई वॉन्ट यू टू लर्न जावा. तो मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने जावा सीखे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. मैंने इनिशियली पाइथन में कोडिंग की, जो भी मुझे टास्क सेंड किया गया था. उसके बाद जब जावा की बारी आई, तो मैंने हाथ लग दिया, सर उससे नहीं होगा, मुझे आप दूसरा कुछ भी दीजिए पर जावा ना दीजिए. तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जावा हमेशा रखने वाला है,
हमारा पूरा डेवलपमेंट पाइथन में हो चुका था, फिर भी क्लाइंट ने बोला कि हमको जावा में चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी जावा में ज्यादा है। समझ रहे हो आप ये बात को? जावा किसने अच्छे से अच्छे पढ़ा है, बेसिक किसका क्लियर है आपको? उसके आगे का हेलो किशन जावा पढ़ा है पूरा, सिक्योर लैंग्वेज क्यों है? जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, बेसिक्स पढ़े, पर जावा जावा किसने पढ़ा है? प्योर जावा स्टार्ट नहीं किया अभी तक। राइट, जावा इज अ कंपाइलर लैंग्वेज एंड पाइथन इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, राइट? सो आप बोल रहे हो कि कंपाइलर होता है 0101 बाइनरी इसमें कन्वर्ट करता है, व्हिच इज ओके। मैं पूछ रहा हूँ कि जावा वो क्लाइंट ने क्यों बोला कि मैं पहले पाइथन में करूँ, उसके बाद उसका माइंड चेंज हुआ, फिर वो बोलता है कि जावा में करूँ, बिकॉज़ जावा इज मोर सिक्योर देन पाइथन। व्हाई? जावा पेजेस जो होते हैं वो जो ब्राउजर के अंदर जब वो इंटीग्रेट करते हैं तो उस समय उसका सर्वर, मतलब हम इजीली कर सकते हैं सर्वर को। एग्जैक्टली, राइट तो जावा बेसिकली इज मोस्ट सिक्योर है, और हर क्लाइंट चाहता है कि उसके एप्लीकेशन सिक्योर हो कोई भी थर्ड पार्टी से, कोई भी हैकर्स से। सो उन्होंने फिर जावा को प्रेफरेंस दिया और हमारा पूरा पाइथन का कोड फिर जावा में, हमको जावा जो कोडर्स थे, जावा जो डेवलपर्स थे, उनको बताना पड़ा कि हमने पाइथन में किया, तुम जावा में ये करो, हमने ये फंक्शन लिखी, अब तुम ये फंक्शन लिखी। सो इट इज लाइक इट्स गोइंग एंड देन उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स आए तो मेनली जो मेरा जो डिपार्टमेंट था वो है आरपीए। आरपीए किसी ने सुना है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अभी तक किसी ने कुछ पता है आरपीए के बारे में? निकिता नहीं पता। ओके, सो आरपीए इज लाइक माय मैनेजर वाज लाइक यू आर शिफ्टेड टू द आरपीए डिपार्टमेंट एंड एज अ फ्रेशर आपके जैसे ही था मैं, मुझे भी नहीं पता था आरपीए क्या है। तो वो जस्ट उसने बोला कि यू आर मूविंग टू द आरपीए डिपार्टमेंट, यू आर सिलेक्टेड एज अ पाइथन डेवलपर एंड यू आर वर्किंग विद द आरपीए टीम। सो दिस इज द आरपीए टीम एंड आई इंटरेक्ट विद देम। सो मैं गया बात किया तो मुझे तो पहले फुल फॉर्म ही पता नहीं था कि क्या है आरपीए, पता ही नहीं था क्योंकि आज से जब निकल के जाते हैं बाहर जॉब्स के लिए तो कुछ भी पता नहीं होता लिटरली। तो मेरे साथ नहीं हुआ। सो आरपीए लाइक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उसके अंदर हम ऑटोमेशन करते हैं, फिर एक एप्लीकेशन है, जिससे हमारा जो भी ह्यूमन इंटरेक्टिव, जो भी ह्यूमन रिलेटेड टू टास्क है, राइट, जैसे कि आपको रोज मेल करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आपका आपकी मीटिंग है ऑनलाइन आती है, ऑनलाइन चल रहा है, राइट, आपकी मीटिंग है तो रोज 12 बजे आपका एक मेल आता है टू ज्वाइन दैट कॉल। अब हर दिन आपके टीचर उसको मेल नहीं करते हैं, देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, आपको बराबर 12 बजे या फिर 15 मिनट पहले आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि 12 बजे आपकी मीटिंग है। तो ये हर मैम आपकी उठ के मतलब बराबर पहले 12 बजे नहीं करती है, देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट, उसके पीछे एक ऑटोमेशन लगा है कि वो ईमेल रोज पौने 12 बजे ट्रिगर हो और आपको एक नोटिफिकेशन जाए ताकि आपको वो। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ आरपीए और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वन पार्ट। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि फ्यूचर एआई एमएल का बहुत है। आई रियली थैंकफुल टू हीरालाल सर कि उन्होंने सबसे पहले मुझे एआई से इंट्रोड्यूस करवाया। हीरालाल सर वाज टीचर टू टीच एआई एमएल सब्जेक्ट। हमारे टाइम में जो सब्जेक्ट था अभी पता नहीं आपको एआई स्पेसिफिकली है या नहीं, अभी तो डेटा साइंस डिग्री आ गई है डायरेक्ट, राइट मैम। सो उस टाइम भी एआई था और बस जब मुझे पता चला कि हीरालाल सर ने मुझे सिखाया है एआई, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। वहाँ से मेरी एआई की जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी पाइथन में था क्योंकि ऐसे जो हमारे सेमिनार होते थे तो हमारे टाइम में भी एक सेमिनार हुआ था पाइथन का, जिसमें मुझे पता चला कि पाइथन इज रियली इजी टू लर्न एंड देयर इज मच 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 मोर फ्यूचर इन पाइथन एंड एआई एमएल। सो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन एनटीएस माय फर्स्ट कंपनी, I created own virtual agent. आपको Alexa पता है? Alexa, Siri वगैरह पता है? उसको हम कमांड देते हैं, वो बदले में एक तो म्यूजिक प्ले करता है, राइट? और IoT भी आपने सुना होगा, होम ऑटोमेशन होता है, राइट? सो आफ्टर माय फर्स्ट कंपनी आई
मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया कि हाउ दिस एलेक्सा बिल्ड, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी उसके लिए कि यार ये उन्होंने कैसे किया होगा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. तो व्हेन आई फाउंड आफ्टर सम रिसर्च दैट दे यूज द एआईएमएल टेक्निक्स एंड पाइथन बिहाइंड इट, एंड उसका ही मैंने थोड़ा सा पार्ट किया, कोड किया जो कि, और फिर उसके बाद वो मेरे ही लैपटॉप में, मतलब मेरे ही मशीन में मैंने सबसे पहले कोड किया कि जो सबसे पहले मेरा वॉइस रिकॉग्नाइज करे, और अगर मैं उसको बोलूं कि हे सीरी, या फिर जो भी मैं उसका नाम रखूं, हे सीरी ओपन यूट्यूब, ओपन गूगल, ओपन प्ले म्यूजिक, प्ले वीडियो, एंड इवन शट डाउन द सिस्टम, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ माय कमांड, जैसे एलेक्सा आपकी कमांड को लेके एग्जीक्यूट करता है ना, वो ऑटोमेट करता है, गाने प्ले करता है मेरे लिए फिलहाल. तो तो उसी तरीके से मेरा जो सिस्टम है वो YouTube प्ले करता था, गाने प्ले करता था, एंड आई डेमोंस्ट्रेट दैट प्रोजेक्ट टू माय इन माय इंटरव्यू. सो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, दिस ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी उसके पीछे कि क्या हुआ है, और ये सब मेरे मेरे पासवर्ड के बाद जो मेरे पास 6 महीने थे, जून जुलाई आई गेस 2019, एंड आई सिलेक्टेड इन डिसम्बर 2019. तो दिस इज द 6 months ऑफ गैप, और उसमें मतलब हर जगह मैंने देख लिया था, हर जगह से मैं रिजेक्ट हो रहा था, इवन स्मॉल स्केल कंपनी जावा के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था भाई. मेरे को बोला गया था कि भाई तुम लिखो जावा का कोड लिखो, और मैं बस लिख के आ गया था, वो ऐसे कर ली प्रेसेस हो गए. तो लाइक नहीं, अब जावा को बहुत जरूरत है, तो बोला मेरा क्या होगा. और घर वालों की अलग उम्मीदें रहती है कि 6 महीने हो चुके हैं, जॉब नहीं है ना. तो फिर उसके बाद माय लास्ट होम दिस एनटीएस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, दिस वाज माय लास्ट होम इन पुणे. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू, मेरा प्लान था कि मैं हैदराबाद जाऊं या फिर मुंबई जाऊं, फॉर द सेम टेक्नोलॉजी एंड पाइथन. सो व्हेन आई इंटरव्यू इन द पाइथन, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ही प्रोजेक्ट का रहा कि जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, जो मैंने डेवलप किया जो एलेक्सा और सीरी को सामने रखते हुए कि भाई ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, उसके बिहाइंड जो मेरा लॉजिक था वो मेरे मैनेजर को पसंद आया, और मुझे फाइनल ईयर से पता था कि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी पाइथन में था. सो दिस ऑल आई एम सेइंग बिकॉज AIML का बहुत स्कोप है आगे, हु वांट्स टू गो इन द ऑटोमेशन एंड AIML इन फ्यूचर, ओनली वन. देखो भाई जावास्क्रिप्ट इनके सैलरी तुमसे ज्यादा रहेगी, और तुमको काम भी बहुत ज्यादा रहेगा, और मिलेगा कुछ नहीं, फ्यूचर इज दिस सीरियसली. बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट ये किया था कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट ये हमेशा रहने वाली है, हमेशा तुम एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इनको जॉब मिलेगी, बट तुमको फिर भी तुम रहोगे, यू आर स्टिल देयर, बिकॉज हर एप्लीकेशन का UI बनता है, और UI बनता है जावास्क्रिप्ट में. ठीक है, हम जो भी ऑटोमेशन करते हैं वो एक बैकएंड है, लेकिन हम जो भी ऑटोमेशन करेंगे उसमें एक UI तो बनेगा, आपको UI डेवलपर तो लगेगा, जावा जावास्क्रिप्ट, उसके बाद PHP और HTML, तो उसके बगैर हम अधूरे. तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे टीम में एक UI डेवलपर है जो जिसको बहुत ज्यादा काम होता है, बट उसको सैलरी मिलती है, वो बोलता है कि भाई मुझे इस पे आना है, मुझे ये सीखना है, नॉल बहुत सारे बातें हैं बाकी तो, बट मैं उसको कहता हूँ कि भाई तेरे पास जो नॉलेज है, आई सीरियसली सैल्यूट यू, मैं तुम्हारा बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि तुमने जावा जैसी टेक्नोलॉजी सीखी, बहुत बड़ी बात है. अब हर कोई उठ के तुमको कोई मेल नहीं करेगा सुबह, तो एक उसके पीछे एक ऑटोमेशन हुआ कि भाई वो मेल पे करो, तो उसके पीछे एक लॉजिक, उसके पीछे एक ऑटोमेशन टूल यूज किया है. एंड वन मोर थिंग कि अलोंग विद टेक्नोलॉजीज एंड अलोंग विद पाइथन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नीड टू लर्न IDEs. IDEs पता है क्या होते हैं? इंटीग्रेशन डेवलपमेंट. या बट किस लिए? VS कोड वगैरह, मतलब कोड लिखने के लिए. एग्जैक्टली. तो मल्टीपल आईडीज के ऊपर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. जैसे उन्होंने कहा अभी कि VS कोड, आपका नाम क्या है? लोकेश. जैसे लोकेश ने कहा अभी कि VS कोड है, एंड जावा के लिए एक्लिप्स होती है, राइट? तो मैं चाहूंगा कि आप सब कुछ अपने इंजीनियरिंग में, आपका ये फर्स्ट है, आप अपनी लाइफ एंजॉय भी करो इंजीनियरिंग के
बट उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप मल्टीपल टूल्स मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते रहो और टूल्स इन द सेंस ये जो नेटिव आईडी है उसके बाद पाइथन के लिए कौन सी यूज होती है जावास्क्रिप्ट के लिए कौन सी यूज होती है और उसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप टूल्स भी टूल्स पे भी ध्यान दो बहुत ज्यादा क्योंकि क्या होता है कि इंजीनियर बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नथिंग अबाउट एनी टूल उसको कोई ना कुछ टूल तो आना चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में पाइथन की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे कि मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दिया कि पाइथन की रिक्वायरमेंट थी अब तक मैं ज्वाइनिंग दे टोल्ड मी टू लर्न जावा सो इंस्टेड ऑफ दैट दे विल असाइन अगर मेरे को कुछ टूल आता था उस टाइम पे तो मैं उस टूल पे काम करता था राइट जैसे कि अभी आपके डिपार्टमेंट में उसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जो हम ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं जिसके मैं अभी नाम बताऊँ आपको ऑटोमेशन एनीवेयर है यूआईपाथ है एंड देन टॉनकिन है और क्लाउड सर्विसेज बहुत सारी है हमारे गूगल की ठीक है तो मैं चाहूंगा कि आप इसके अंदर अभी से पढ़ना शुरू करें भले आपके सिलेबस में ना हो आई नो बट उसके अलावा भी आप मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने लेवल पे आप पढ़ना सीख लो स्टार्ट करना सीख लो आई थिंक डेटा साइंस का एक डिग्री है अभी राइट तो डेटा साइंस के अंदर में ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई डेटा साइंटिस्ट करके पासवर्ड होता है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है निकी सो बहुत ज्यादा उसका स्कोप है ऑब्वियसली और अगेन डेटा साइंस में भी पाइथन ही लगता है द बेसिक इज पाइथन ओके अगर आप सच में उसमें जाना चाहते हो आपका इंटरेस्ट है तो बेसिक इज पाइथन आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दिए पाइथन के एनी क्वेश्चंस स्टिल नाउ आपको कुछ पूछना है यार ये वही बात होगी मैं बोलते जा रहा हूँ आप देखो मेरा उत्तर गलत हो जाएगा बोलो बोलो जावास्क्रिप्ट में टेंसर फ्लो अभी सपोर्ट करता है ना बट डिपेंड्स ऑन योर टेक्निकल स्किल्स कि आपको उसमें कितना नॉलेज है राइट वही चीज पाइथन से इजी है मच मच इजी है आई गेस ओके एनी क्वेश्चंस देखो वो एक ही बात कर रहा है गर्ल्स में से किसी को कोई डाउट नहीं है कुछ भी क्वेश्चन पूछो यार ऐसा थोड़ी कि टेक्निकली पूछ रहे हैं आपको मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने मेरी इंजीनियरिंग बेसिक नहीं है मैंने ठहरा के आया था मैम कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर तो दूंगा भाई हैंडसम हैंडसम का मतलब समझता है आपको जो हैंडसम पैकेज है अच्छा है अट्रैक्टिव है राइट जवाब दिया उसने Yeah.
नहीं नाइस क्वेश्चन पाइथन 2018 जब मैं पढ़ने के लिए मैं आया इन 2018 देन हमारा प्रोजेक्ट हमने डिसाइड कर लिया था कि जो मेरी टीम थी चार लोगों की हमने डिसाइड कर लिया था कि हम जो भी कुछ करेंगे पाइथन में करेंगे क्योंकि हमको ईजी लगता था कुछ भी करो ईजी लगता था हमको तो हमने डिसाइड किया कि हम पाइथन स्टार्ट करेंगे तो बहुत छोटा हमने जन्मा हुआ 2018 में कोई पाइथन पढ़ने वाला नहीं मिला सीरियसली नहीं मिला कोई ट्यूशन है नहीं कोई टीचर ही नहीं पाइथन का अभी बात निकले तो मैं मेरा मेरी नियत है कि मैं यहाँ से अपना एक टीम बनाऊँ पाइथन का मेरे जूनियर्स हैं जो आपके सीनियर हैं राइट अभी उनको मैंने पाइथन बता दिया था कि भाई तुम पाइथन पढ़ना सीखो जलवा भी है एंड दे वेरी वेल उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया पाइथन में सो अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा ट्यूटर हमें जलगांव में अवेलेबल करवा दूँ जिससे वर्चुअली क्यों ना वहाँ पे के लिए ठीक है वर्चुअली के नाव मैं मेरे से शुरुआत करूँगा वर्चुअली के नाव मैं मेरे लेवल पे मुझे जितना आता है मैं उतना पढ़ाऊँगा क्योंकि जलगांव में है ही नहीं मैंने बहुत कोशिश किया और वो हमारे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था बट हमने सिलेक्ट कर लिया था टेक्नोलॉजी अब और असाइनमेंट करने थे प्रैक्टिकल्स थे उसके बाद प्रोजेक्ट देने रहते हैं तो बहुत सारी बातें थी तो हम उसी पर टिके रहे एंड देन फाइनली हमने वो प्रोजेक्ट के ऑटोमेशन का ही था आईओटी का था जिनाला सर हमारे गाइड थे आईओटी का ही प्रोजेक्ट था वो और तो या हमें मेरे लेवल पे बहुत पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अवेलेबल करूं वर्चुअली के नाम बट मैं मेरे लेवल पे आप रीच आउट कर सकते हो आपको कोई भी डाउट हो सकता है तो आप मुझे बिल्कुल रीच आउट करो मैं वो सारे अवेलेबल कर दूंगा रिसोर्सेज जो आपको बेसिक पाइथन लर्निंग के लिए चाहिए जैसे हमारे स्टेटमेंट होते हैं जब हम अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर उसका रिव्यू देना पड़ता है तो वो रिव्यू होता है पॉजिटिव एक तो बहुत अच्छा है एक्सीलेंट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह ऐसे कमेंट आते नीचे विच इज द पॉजिटिव लैंग्वेज ओके उसके बाद आता है कि न्यूट्रल और फिर कहते हैं निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव कोई कोई लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो वो निगेटिव कमेंट करते हैं वहाँ वेरी बैड प्रोडक्ट एंड ऑल तो विच इज कॉल्ड निगेटिव और कोई कहता है हाँ सोबर है ठीक है विच इज न्यूट्रल सो सेंटिमेंट एनालिसिस ये जो अमेजोन फ्लिपकार्ट ये कंपनी यूज करती है उनके प्रोडक्ट का रिव्यू लेने के लिए तो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि मशीन आपको बताता है कि अमेजिंग गुड ये वर्ड पॉजिटिव है न्यूट्रल है या नेगेटिव है ठीक है उससे अमेजोन को मतलब ये पता चलता है कि कितने कमेंट्स उसके पॉजिटिव आए हैं और फिर उसको कितने नेगेटिव आए हैं और कितने न्यूट्रल आए फिर उतना उनको कितना काम करना है उनके उस प्रोडक्ट पे अगर नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं तो दे यूज्ड दिस अमेज़न और फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस वेब सर्विस जो भी कंपनीज जो है सॉरी ये सेंटिमेंट एनालिसिस यूज करते हैं जब उनके प्रोडक्ट पे कमेंट करते हैं तो आप इसके बारे में देखो सेंटिमेंट एनालिसिस और उसके बाद जैसे आपको एसक्यूएल बताया गया मशीन लर्निंग के लिए वो भी आप देखो फेस रिकॉग्निशन बहुत सारी बातें हैं पैंडास भी आप देखो फेस रिकॉग्निशन के लिए देखो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए देखो जो मैंने किया है और एलेक्सा के लिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये सेट्स के क्वेश्चन अमेजिंग मैं कभी नहीं भूल सकता मेरा रायसोनी का जो सफर था बेसिकली आई एम फ्रॉम पाजोरा कौन कौन यहाँ से जो प्रॉपर है वो तो ठीक है बट कोई बाहर से है यहाँ पर
अपडाउन कौन करता है? बहुत बहुत सर अपडाउन वाले बहुत है। अपडाउन की वजह से हमारे इंडियन रेलवेज को मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो उन्होंने मुझे हमेशा लेट पहुंचाया है। पैसेंजर उसमें एक नंबर थी, मैं कितनी भी कोशिश करूं मुझे पैसेंजर ही मिलती थी, सुबह में उठ नहीं पाता था और इस वजह से मैंने बहुत डांट खाई है। तो या उसमें मैंने अपडाउन किया है, मतलब मैं पाथुरा से हूँ, 50 किलोमीटर पड़ गया। तो अपडाउन के साथ मेरी जर्नी पूरी वैष्णी की गई है। और इवन मैंने जब यूनिट टेस्ट होते थे तो मैंने ट्रेन में भी पढ़ाई की है, मैंने स्टेशन में भी पढ़ाई की है और हर जगह पढ़ाई की है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था और क्लासेस भी लेती थी शाम में, M3 की क्लासेस, M2 की क्लासेस, DSGG, डेटा स्ट्रक्चर है क्या अभी? डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, राइट? तो DSGT हमारे टाइम में DSGT था वो, और DSGT की क्लासेस, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि बोर्ड पर यार इसके लिए तो क्लास लगाना पड़ेंगे अभी, तो शिरोडे से गुरु बन जाते उनकी क्लासेस रात में लेती थी, मतलब कॉलेज के बाद 7-8 बजे 9 बजे तक। तो अब बंद करके मेरी लाइफ नहीं है एंड उसके ऊपर डांट बहुत खाई है मैंने उस वजह से, बट या मैंने वो एंजॉय भी किया, मुझे मैं डांट खाने के बाद में हंसता था। सो दैट इज माय जर्नी। ऐसे तो कुछ नहीं, बस इवेंट्स होते थे, इवेंट ऑर्गेनाइज करना और पार्टिसिपेट करना, सिंगिंग में पार्टिसिपेट। आई एम अ सिंगर, बोलिए कोई भी क्वेश्चन। यार मेरे को जो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड था वो कहीं पूछ नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करके दिया और उसका बग आता है तो क्या करना चाहिए? ओके, तो कैसा होता है कि जब कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, आपका नाम क्या है? प्रथमेश। प्रथमेश, जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके एनवायरनमेंट क्रिएट होता है सबसे पहले। एक होता है डेव, जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं, एक होता है स्टेज, जिसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं, और एक होता है प्रोड, जिसके अंदर वो जब वो डिलीवर हो जाता है, प्रोडक्शन में चला जाता है तब। तो अगर अभी हमने डेवलप किया, उसके बाद जो टेस्टर होते हैं, QA होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो होते हैं, टेस्टर जिसको बोलते हैं, टेस्टर एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, बट वो डेव एनवायरनमेंट में नहीं करता, वो स्टेज में करता है। सेम के सेम अभी हमने डेवलपमेंट कर दिया डेव में, उसके बाद हमको सेम उसको कॉपी करके स्टेज पे बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको टेस्टिंग करनी होती है, वो स्टेज करेगा, फिर अगर वो सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो फिर हमें उसका और एक कॉपी बनाना पड़ता है, वो जाके प्रॉड में। और आप बोल रहे हो कि अगर प्रॉड में इशू आया तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो लगती है बहुत एस्केलेशन। एस्केलेशन पता है क्या होता है? एस्केलेशन एस्केलेशन क्लाइंट के तरफ से होते हैं कि वो सीधा बोल देता है कि वेरी बैड, और मतलब उसका कुछ भी स्टैंडर्ड हो सकता है। वो आता है मैनेजर के पास, मैनेजर वो गुस्सा हमारे ऊपर निकालता है, लीड पे निकालता है, लीड के बाद जूनियर डेवलपर्स, तो ऐसी नौबत आ जाती है कि हमको रात रात भर बैठ के उसको बग को फिक्स करना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा ये दुआ करता हूँ कि कभी वो आना, मतलब प्रोडक्शन में तो कभी बगना है, तो उसको हम ऐसे रिजॉल्व करते हैं कि हमने कॉपी बनाई है स्टेज और प्रॉड, राइट? तो अगर प्रॉड में कुछ इशू आया है तो पहले हम उसको स्टेज में देखते हैं कि ये स्टेज में सही चल रहा है, अगर चल गया तो फिर उसको, अगर वहां पर कुछ इशू है तो उसको हम डेव में ले जाते हैं, डेव में उसको फिक्स करते हैं, फिर उसके वापस से टेस्टिंग होती है, फिर वो प्रॉड में जाता है। तो इसके लिए हम क्लाइंट से कुछ दिन मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ हफ्ते मांगते हैं कि भाई हमको इतना हफ्ते दो, हम ये फिक्स कर देंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग इज गोइंग फाइन। तो ऐसे हम बग फिक्स करते हैं कस्टमर से हमें एस्केलेशन आता है। आप जिसकी बात कर रहे हो उसको एस्केलेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने भी एक बात कही कि टेस्टिंग होती है। हाँ बोलो। आपने कॉलेज जब ज्वाइन किया था तो आपने कौन से प्रॉब्लम फेस किए थे?
कॉलेज ज्वाइन करते टाइम पे मतलब कॉलेज लाइफ में थोड़ी देर पहले पता है कि मुझे अपडाउन करना पड़ता था। हर किसी की लाइफ के अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे आना जाना पड़ता था, डांट सुननी पड़ती थी हर बिना वजह, क्योंकि मैं कितना भी समझाऊं कि ट्रेन लेट हो, एमएलए के हो, मुझे डांट मिलती थी। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए, तो कहीं भी मतलब अगले दिन यूनिट टेस्ट थे 20 मार्क्स की, तो रेलवे में आधा घंटा लगता है, रेलवे में स्टेशन पे कहीं पे भी जैसे टाइम मिले वैसे, क्योंकि पूरा टाइम तो एक तो कॉलेज से, कॉलेज के बाद जो क्लासेस से घर घर पे आने के बाद तो सीधा मैं सो जाता था, हिम्मत ही नहीं रहती थी कुछ करने की। तो मैं डायरेक्ट अगले दिन जो टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 11 बजे टेस्ट है, 9 बजे ट्रेन है, तो 9 से 10 में पढ़ लेता था, जो हुआ वो देखा जाएगा ऐसा था। तो वही प्रॉब्लम था कि थोड़ा सा पढ़ाई तो उस टाइम पे कंडीशन नहीं थी कि मैं अपन रहूं, फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उस वजह से वे प्रॉब्लम। उसके अलावा पढ़ाई के लिए तो मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किए, जो भी मुझे क्वेरीज क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने अपने सीनियर बोलो या फिर अपने टीचर्स बोलो, रिस्पेक्टिव स्टाफ से उनसे जाके क्लियर करवाया है। और कुछ ओके तो मैंने एक बात कही थी कि टेस्टिंग किस किस को ऐसा लगता है कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही करियर है, मतलब अगर हम बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि यार हमको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो हमारा कुछ नहीं आएगा, ऐसा किसको लगता है? इसलिए मैं वहां से यहाँ थोड़ा निकला। तो बताओ मतलब आपको ऐसा लगता है क्या कि भाई हमको अगर कोई लैंग्वेज नहीं आएगी तो हमारा आईटी में कोई करियर नहीं है, ऐसा कुछ है? ऐसा किस किस को लगता है? क्योंकि देखो आईटी है ना, आपको लगता है ऐसा, अभी लग रहा है ये फिर अभी तक इतना पॉजिटिव था मेरा या निगेटिव था जिससे आपको भी ऐसा लगने लगा कि ऐसा नहीं है? वो डेवलपर से कहीं ज्यादा अच्छी है, उसको गलतियां निकालनी, और गलतियां निकालने के लिए इंसान हमेशा एक नंबर पे। हम टेस्टर और डेवलपर की कभी नहीं जानेंगे, टेस्टर हमेशा ज्यादा सेलेक्ट रहेगा डेवलपर से, सीधी सी बात है बिल्कुल। तो टेस्टर मेरी मेरी नहीं जमती है भाई, मैं उसको बोलता नहीं है ऐसा है नहीं तो ऐसा है नहीं, ये ऐसा नहीं चला नहीं तो ऐसा है तो बहुत, लेकिन वो तक उसको अगर उसने बग निकाला करते से भी तो उसको फिक्स करो वापस से, उसकी तो पेमेंट नहीं मिलती मुझे, मुझे सिर्फ डेवलप करने की पेमेंट मिल रही है, उसको सिर्फ गलतियां निकालने की पेमेंट मिल रही है, कुछ कर नहीं रहा वो, सिर्फ गलतियां निकाल रहे हैं, एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि टेस्टर की जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, क्यूए डिपार्टमेंट में आते वो लोग क्वालिटी एश्योरेंस, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हो, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जिनका ऐसा लगता है कि आप मैंने शिफ्ट मूव ऑन करना चाहिए, जो ई एन डी सी के लिए मैकेनिकल के थे, अलग अलग ब्रांचेस से थे, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि यार आप क्यू ए के लिए जाओ, आप टेस्टिंग के लिए जाओ, विच इज वेरी वेरी बेटर पॉइंट। उसके अंदर कुछ करना नहीं, सिर्फ टेस्टिंग करनी है आपको, पर्टिकुलर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज भी आ जाएगा, और जब आप आगे जाके अपना स्विच भी कर सकते हो, जब आप डेवलपर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि यार ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको आप डेवलपमेंट उसके साथ ही सीख लेते हो, फिर आप आगे जाकर अपना करियर डेवलपमेंट में कर सकते हो। बट एक आईटी इंडस्ट्री में एंट्रेंस के लिए आप एज अ टेस्टर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा कभी मत सोचना कि यार मैं डेवलपमेंट नहीं आती, मेरे को जाओ नहीं आता क्या होगा, नहीं, आप क्यूए में जाओ, आप टेस्टर ऐसे टेस्टिंग करके आप उसको बहुत अच्छी तरीके से अपना करियर बना सकते हो, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं। उसके अंदर भी आती है जैसे कि अभी मैंने ऑटोमेशन डेवलपमेंट की बात किया, वैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग भी आती है, तो उसके अंदर भी आपको टूल्स यूज करने पड़ते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में, एक होती है मैनुअल टेस्टिंग, एक होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग, और ऐसे ही दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग आती है, डेवऑप्स आते हैं, तो आप ये जो है ये प्योर डेवलपमेंट का काम नहीं करते, ये तो टेस्टिंग का और मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो कि एप्लीकेशन बनाया है तो उसको मैनेज, डेवऑप्स जो है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डेवऑप्स, तो आप डेवऑप्स में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे प्रोफेशनल्स मेरी कंपनी में डेवऑप्स में ज्वाइन हुए हैं, उनको डेवलपमेंट में जाना था बट अभी वो डेवऑप्स में, वो
वो कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है करियर है, बट बात ये होती है कि हमें पता नहीं होता, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर ही करियर है सब कुछ। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, अपने दिल से जो दिमाग से निकाल दो। आप टेस्टिंग में भी जा सकते हो, अगर बिल्कुल भी आपसे नहीं हो रहा है तो बैठ नहीं जाना है, बिल्कुल आपको आगे ही निकलना है। मतलब कुछ ना कुछ उस पर बहुत सारे रास्ते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हो, आप परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग कर सकते हो। परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में भी वही होता है, टेस्टिंग ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन बनाया, वेब एप्लीकेशन है, उसको एक पर्सन जब यूआरएल पे हिट करता है, वेब ब्राउजर पे चलाता है, तो कितना उसने टाइम लिया लोड होने के लिए, ठीक है। आपने भी एप्लीकेशन बनाया, वेब एप्लीकेशन, उसको हमने हिट किया गूगल पे, वो कितना टाइम लिया उसने लोड होने के लिए। और अगर भाई 100 यूजर एक साथ अगर चला रहे हैं एप्लीकेशन, तो कितना टाइम लगा। ये काम करती है परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, परफॉर्मेंस कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस क्या है, उसका टाइमिंग कितने टाइम में ओपन हो रहा है, उसके बटन या तो जो भी आपने उसमें लगाया है, यूआई जो बनता है, राइट, तो उसके अंदर सारे के सारे वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में आता है। ये पूरा डेवलपमेंट होने के बाद वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के पास जाता है। और जो क्योंकि मैंने बात किया टेस्टिंग की, तो वो टेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ चलती रहती है। एज आई मेंशन अर्लियर दैट वी हैव थ्री फेजेस व्हिच इज देयर, स्टेज एंड प्रोडक्ट। तो उस जो टेस्टिंग में बता रहा था क्वालिफिकेशंस वाली, वो डेवलपमेंट के साथ साथ चलती रहती है। परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के पास, परफॉर्मेंस इंजीनियर के पास कब आती है, जब वो पूरा डेवलप हो जाता है, तो आप उसको टेस्ट करते हो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर एक बंदा यूज कर रहा है, तो 100 बंदे यूज कर रहे हैं, 1000 बंदे यूज कर रहे हैं, फिर क्या उसका रिस्पॉन्स है। तो विच कम्स अंडर परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, उसके लिए भी अलग अलग टूल्स है, वो आप सीखो और फिर उसके अंदर अपना करियर बनाओ, ऐसा है। उसके बाद डेवऑप्स का मैंने आपको बता दिया। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? I have a question on behalf of all of them, that now they are in the first year, right? And they'll go to the second year department. Then how do they understand ki unka area of interest kis mein ja raha hai? I mean, what are the steps that you would like to recommend to them? Ki sare subjects padhte hain wo, yes. But as you said ki developer hota hai, tester hota hai, so how do they identify ki what they are good with? I think confusion rehta hai. I think hamare syllabus mein kahin bhi ek software testing karne ke subject aaye the. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए एक सब्जेक्ट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट था हमारे टाइम में, तो उसमें टेस्टिंग का जिक्र था, लेकिन पूरा नहीं था, सिर्फ टेस्टिंग का जिक्र था उसमें, उसमें बताया नहीं गया था कि कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर टिल थर्ड ईयर फाइनल ईयर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा डेवलपमेंट में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आई विल रिकमेंड यू टू लर्न टूल्स व्हिच इज यूज्ड टू इन टेस्टिंग, इन क्वालिटी एश्योरेंस, इन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग। आप वो थर्ड ईयर से, आपको मैं थर्ड ईयर तक टाइम देता हूँ, थर्ड ईयर तक आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं होगा, तो फिर आप वो एक अल्टरनेट आपका ऑप्शन बना के रखो, जस्ट टू टेक द एंट्री इन द आईटी वर्ल्ड। आपको एक बार एंट्री मिल गई आईटी में, तो फिर उसके बाद आप कहीं भी स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद सब, फिर सब आपके एक्सपीरियंस पे बात करती है, आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, फिर वो मिलते हैं। बात होती है सिर्फ एंट्री लेने की, आप एंट्री कैसे भी लो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट से लेना चाहिए, ओके। तो आप क्वालिटी एश्योरेंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको थर्ड ईयर तक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पढ़ना शुरू कर दो कि कौन से टूल यूज होते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है, वो इजी है, उसके अंदर कोई कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। ओके क्वेश्चन बोलो। स्टार्टअप वगैरह में तो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर टेस्टर भी रखे, फिर डेवऑप्स भी अलग से रखे। अगर कोई स्टार्टअप हो रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, स्टार्टअप में तो ऐसे नहीं होता है, तो स्टार्टअप्स में सिर्फ डेवलपर ही होता है, और डेवलपर ही मतलब सब प्रोडक्शन तक, अगर वो फुल स्टैक डेवलपर है तो वो पूरा संभाल लेता है, तो फुल स्टैक डेवलपर की जो सैलरी होगी वो बाकी सबसे तो ज़्यादा होगी। या ऑफ कोर्स, बट ऐसा कुछ कम होता है, रेयर केस में होता है, बट उनको क्वालिटी एश्योरेंस लाना जरूरी है एक डिपार्टमेंट। अगर जब तक तुम्हारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग नहीं होंगे, तो तुम उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, तुम उसको कस्टमर को कैसे दोगे। तो एक मेरी कंपनी स्टार्टअप की, मेरी कंपनी एमएनसी है, बट 2018 में इन टेक्सास यूएस, उसके बाद 2019 में पुणे, और आज 4 साल उसको हो जाएंगे, 2021 3-4 साल। तो उन्होंने सब रखा था, उन्होंने स्टार्टिंग की थी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग से, उनके पास डेवलपर नहीं थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग की थी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग से। तो वो प्रोजेक्ट लेते थे सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए, कि भाई ये एक पर्टिकुलर कंपनी ने डेवलप किया है, हम इसको सिर्फ टेस्ट करेंगे, समझ रहे हो।
तो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से उनकी ग्रोथ हुई। फिर क्लाइंट को ऐसा लगा कि हाँ इनको हमें डेवलपमेंट का भी देना चाहिए, फिर उन्होंने डेवलपर्स हायर किए, फिर उन्होंने अपने दूसरी टीम बनाई, फिर क्वालिटी एश्योरेंस बनाया, टेस्टिंग के लिए बनाया, डेवऑप्स बनाया, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग, लेकिन वो ग्रोथ बाय ग्रोथ होते रहता है। तो सिर्फ डेवलपमेंट में अगर करोगे तो फिर आपको टेस्टिंग के लिए किसी और को देना पड़ेगा। आपने जैसे बात बोल दिया कि नहीं डेवलपर सिर्फ डेवलपर ही उनके पास, फिर टेस्टिंग के लिए तुमको किसी और को देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, तो हमने सिर्फ टेस्टिंग के प्रोजेक्ट लिए थे, डेवलपमेंट के नहीं लिए थे। तो हमने कहा था कि आप हमें प्रोजेक्ट दो जिसको हम सिर्फ टेस्ट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, और प्रोजेक्ट के हिसाब से होता था सब सारा काम। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम डिपार्टमेंट?
आपको पसंद भी आएगा ये मतलब मेरे करंट हालात है ये वो बताते हैं हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे